मानव शरीर में पानी की मात्रा 60% होती है। यह तो सभी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। पानी शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करता है और आपकी कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इसके अलावा यह आपके वजन कम करने में भी बहुत ही लाभदायक है तथा शरीर को स्वस्थ और फिट रखता है। वैसे पेशाब, पसीने और मल त्याग के माध्यम से हमारे शरीर से पानी निकलता रहता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी होती रहती है। शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। डिहाइड्रेशन के एक स्थिति में जिसमें शरीर में महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता है, इसलिए एक पुरुष को दिन भर में 2.5 से लेकर 3.5 लीटर तक पानी पीने की सलाह दी जाती है और एक महिला को 2 से लेकर 2.5 लीटर तक पानी पीने की सलाह दी जाती है। हमारे शरीर के अधिकतर अंगों में पानी पाए जाते हैं। बेहद कम लोग जानते होंगे, लेकिन ठोस और कड़ी महसूस होने वाली हमारी हड्डियों में भी 22% पानी होता है। हमारे दांतों में 10%, स्किन में 20%, दिमाग में 75%, मांसपेशियों में 76%, जबकि खून में 83% पानी होता है। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना हमारे किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पानी कब, कैसे और कितनी मात्रा में पीना चाहिए। तो दोस्तों, आप सुबह खाली पेट 2 ग्लास पानी यानी 500 ml पानी जरूर पिए, क्योंकि दोस्तों जब आप खाली पेट वो पानी पीते हो तो आपके मुंह में जमे लार आपके पेट में जाते हैं पानी के साथ, क्योंकि दोस्तों वो लार में बहुत बेनिफिशियल एंजाइम्स होते हैं, वो आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप खाना खाने के पहले पानी पी रहे हो तो ये सही है या नहीं, आइए देखते हैं। जब आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, यह अग्नि अर्थात पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देता है। पानी एक शीतलक है जो कि अमाशय रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस को पतला करता है और यह सीधे शरीर की पाचन शक्ति के विपरीत है, जिससे खाना पचाने में समस्या आती है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार आपको खाना खाने के 40 मिनट पहले ही पानी पीना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि भोजन से पहले पानी पीना शारीरिक दुर्बलता का कारण बनता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के दौरान पानी पीना काफ़ी फायदेमंद है। ऐसा करने से पानी खाने को महीन और छोटे कणों में तोड़ देता है और पाचन में मदद मिलता है। अगर आप कुछ मसालेदार खा रहे हो तो यह आपकी प्यास को शांत करती है। इस प्रकार भोजन के बीच में पानी पीना एक आदर्श और स्वस्थ आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए गिलास भर पानी पीना चाहिए। अपने भोजन के दौरान पानी की एक मिनिमम क्वांटिटी पीने की कोशिश करें, नहीं तो इससे आपका पेट पानी से भर जाएगा और आप पर्याप्त भोजन नहीं कर पाएंगे। अगर आप भोजन के दौरान पानी पीना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि पानी कमरे के तापमान पर हो, क्योंकि बहुत ठंडा पानी पीने से पाचन शक्ति दुर्बल हो सकती है, जो पाचन एंजाइमों को निष्क्रिय बना देती है और जिससे शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचय होता है। इस तरह इससे एसिड रिफ्लेक्स या हर्निया के रूप में विषाक्त बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा भोजन करते समय बात युक्त पेय पदार्थों का यानी कॉफ़ी को पीने से भी बचें। पानी पीने का सही वक्त खाना खाने के बाद। क्या आप खाना खाने के बाद पानी पी सकते हो? तो दोस्तों, आइए देखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन जहर के समान है, इससे पाचन शक्ति बुरी तरह से प्रभावित होती है। दरअसल खाना खाने के बाद अमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, जो एक नेचुरल प्रक्रिया है। इससे भोजन पचना शुरू हो जाते हैं, जो पाचन क्रिया का अहम हिस्सा है। इस दौरान एकदम पानी का सेवन करने से यह अग्नि शांत हो जाती है। इस स्थिति में खाना पचता नहीं है बल्कि सड़ना शुरू हो जाते हैं। इससे सीने में जलन, पेट में गैस बनना, कब्ज आदि कई तरह की परेशानियां होने लगती है। इन परेशानियों से बचना है तो खाना खाने के कम से कम
एक घंटे बाद पानी का सेवन करना चाहिए। इसके बाद आप जब चाहे पानी पी सकते हैं। पानी को कब नहीं पीना चाहिए? किसी भी गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा, ककड़ी खाने के बाद, गर्म दूध या चाय पीने के बाद, धूप से आने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का सही तरीका। दोस्तों, आइए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार पानी पीने का सही तरीका क्या है। जिस तरह से हम बैठकर खाना खाते हैं, उसी प्रकार हमेशा बैठे और फिर पानी पिए। एक ही बार में पूरा गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को गर्म चाय की तरह एक एक घूंट लेकर पीना चाहिए। दिन भर पानी के छोटे छोटे घूंट लेते रहे। अगर आप एक बार में बहुत सारा पानी पीते हैं तो आपका शरीर इसको अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा। जब बात पानी के तापमान की आती है, तब पहली वरीयता यानी प्रायोरिटी गर्म गुनगुने पानी को दी जाती है। हालांकि आप कमरे के तापमान वाला पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ठंडा या फ्रिज से निकला हुआ पानी पीने से बचें। ठंडा पानी से शरीर के कुछ अंगों में रक्त नहीं पहुंच पाते हैं। भोजन के पहले या भोजन के बाद बहुत अधिक पानी ना पिए। आप भोजन के बीच में पानी के छोटे घूंट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, भोजन के समय ज़्यादा पानी पीने से पेट में पाचन के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहती है, जिससे भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाते हैं। प्यास शरीर की एक प्राकृतिक आवश्यकता है, आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पानी पिए जब आपको प्यास लगे। मूत्र भी एक संकेत है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा शरीर हाइड्रेटेड है या नहीं। अगर आपका मूत्र पीले रंग का है तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि यह डिहाइड्रेशन का एक संकेत है।